हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन नेवी सेलर्स रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आपको मेरे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पर फ्रेंड्स जरूर मिलेगी। तो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो मैं आपके साथ समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में जवान इंडियन नेवी एसएसआर सेलर्स प्लस टू एंट्री फॉर 2019 अप्लाई ऑनलाइन। जो फ्रेंड्स अभी हाल ही में वैकेंसी जारी हुई है, ये इंडियन नेवी एसएसआर रिक्वायरमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात कर ले इसकी एज लिमिट के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें मिनिमम एज जो आपसे मांगी गई है, इस तरह से 21 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स आपकी जो एज है फ्रेंड्स 1 फरवरी 1990 एंड 31 जनवरी 2002 के बीच में फ्रेंड्स आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स इससे आपकी जो जिसमें आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, प्लस टू मांगी गई है फ्रेंड्स, और आपके पास प्लस टू में मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो मिनिमम हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और जो आपकी फ्रेंड्स चेस्ट है फ्रेंड्स, में आपका चेस्ट का दिया नहीं गया, लेकिन फ्रेंड्स आपका इसमें जो एक्सपेंडेड बोलते हैं फ्रेंड फुलाव बोलते हैं, इसमें आपका 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना ही चाहिए। आपकी चेस्ट फ्रेंड चाहे 77 सेंटीमीटर है या 80 है, लेकिन आपका जो फुलाव है 5 सेंटीमीटर पूरा होना चाहिए इसमें। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके वेट के बारे में, प्रोपोर्शन टू वेट एंड एज। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, जो फ्रेंड्स में वेट दिया गया है फ्रेंड्स, वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी हाइट फ्रेंड्स 5 फुट 7 इंच है, तो फ्रेंड्स आपका ये मान लो कि वेट कम से कम 60 आपके में वजन होना चाहिए। और फ्रेंड्स जहां तक मेरा मानना है फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स 50 से नीचे वजन होना नहीं चाहिए, और जो आपका वेट है फ्रेंड्स 50 से अबव होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं विजुअल स्टैंडर्ड के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं विदाउट ग्लासेज। फ्रेंड्स, जो आपकी इसमें जो मिनिमम आपकी जो आंखें होनी चाहिए फ्रेंड 6x6 होनी चाहिए। बट फ्रेंड्स, अगर आप गॉगल्स का यूज करते हो, ठीक है, आप चश्मे लगाते हो, तो फ्रेंड्स आपकी जो एज है मतलब आंखें फ्रेंड वो 6x9 हो, तो मतलब फ्रेंड आपका काम चल जाएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, विद ग्लासेज, फ्रेंड विद ग्लासेज आपकी इसमें 6x6 होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं इसके PFT के बारे में, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, जो आपका इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो रनिंग है फ्रेंड्स 1.6 किलोमीटर करवाई जाएगी फ्रेंड, मतलब 1600 मीटर, और फ्रेंड्स इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 7 मिनट्स का। ठीक है, और फ्रेंड्स में आपके 20 स्केट्स उपस्थित होंगे, मतलब फ्रेंड्स उठक बैठक जिसको बोलते हैं, और फ्रेंड्स जस्ट मतलब फ्रेंड 10 आपके इसमें पुश अप्स होंगे, मतलब फ्रेंड्स बीम जिसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके परसेंटेज के बारे में। ठीक है, सिलेक्शन रिक्वायरमेंट प्रोसेस, कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल रिटन टेस्ट। फ्रेंड्स, में आपका रिटन टेस्ट के बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में आपका PFT एंड फिटनेस मेडिकल होना है बाद में। ठीक है, पहले फ्रेंड्स आपका टेस्ट होगा इसमें, और फ्रेंड्स कैंडिडेट विल बी सॉर्टेड द रिक्वायरमेंट टेस्ट स्टेट वाइज ऑन द बेस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड प्लस टू कट ऑफ परसेंटेज डिसाइडेड बाय इंडियन नेवी। फ्रेंड्स, जो आपके जो मार्क्स फ्रेंड तय करेगी वो इंडियन नेवी तय करेगी इसमें। ठीक है, आपको मतलब आपको अपना 100% एग्जाम्स में देना है इसमें। ठीक है, और जो फ्रेंड्स आपका जो पेपर फ्रेंड्स में आपका सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, जिसके लिए अभी भी फॉर्म जो अभी फॉर्म आए हुए हैं फ्रेंड्स, ये इनको अगर आप फिल करते हो तो उसका आपका एग्जाम होना है इसका, तो आपका सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इंडियन नेवी एसआर रिक्वायरमेंट 2019 थ्रू द वेबसाइट joinindiannavy.gov.in फॉर्म 2 जून टू 15 जून, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, मार्क्सिट, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट एंड फोटोग्राफ ब्लू बैकग्राउंड। फ्रेंड्स, जो आपके फॉर्म है आपके 2 जून से इस फॉर्म का फिल कर पाओगे। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, आप प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब अपना आप फॉर्म फिल करवाओ फ्रेंड्स, तो आपका जो के फोटो का बैकग्राउंड फ्रेंड वो ब्लू कलर का होना चाहिए। फ्रेंड, आपका फोटो जो आपके पास है फ्रेंड, वो अभी हाल ही का मतलब करंट का फोटो होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज कोई मतलब पीछे का फोटो मतलब वहां पे ना लगाएं, यहाँ पे मतलब अपने फॉर्म में फिल ना करें उस फोटो को, मतलब जो आपका पुराना फोटो हो चुका हो। ठीक है, अगर आप फोटो अपलोड करवाओ तो अपना कोई नया फोटो अपलोड करवाना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैंने इसके बारे में बता दिया है फ्रेंड्स, इसकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स वो 15 जून की है। ठीक है, और फ्रेंड्स एडमिट कार्ड फ्रेंड्स आपके अगस्त में आ जाएंगे। ठीक है, बाय अर्ली अगस्त 2018।
ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब की जितने न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगी। तो दो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए ठीक है फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच।